हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। टीके कोचिंग राजेश टू में आपका वेलकम है। आज हम आप लोगों को देखिए फिजिक्स में कौन सा लेसन पढ़ाते हैं। आप लोग ध्यान दीजिए, सभी लोग को देखिए आपसे है कि कैसे मतलब समझना है कैसे नहीं समझना है। देखिए लेसन 10 विद्युत चुंबकीय प्रेरण, ठीक है। ये देखिए मित्तल की बुक से पढ़ा रहे हैं। किसी जिसके पास मित्तल की बुक है वो लोग अपना अपना देख ले मित्तल की बुक। ओके माय डियर, तो बात आगे ना ज्यादा करते हुए हम आगे बढ़ते हैं और आपको समझाते हैं। देखिए इसकी डेफिनेशन कैसे लिखना है, कैसे पढ़ना है, कैसे सवाल लगाना है, सब हम आपको एक ट्रिक के माध्यम से बता रहे हैं। तो सबसे पहले देखिए लेसन 10 में विद्युत चुंबकीय प्रेरण जो है एग्जाम में बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए सबसे पहले इसमें हम जो चैप्टर पढ़ाने जा रहे हैं, जो पहली टॉपिक है वो है चुंबकीय फ्लक्स। कौन सा है? चुंबकीय फ्लक्स। देखिए चुंबकीय फ्लक्स, ओके माय डियर, चुंबकीय फ्लक्स। देखो चुंबकीय फ्लक्स को इंग्लिश में बोलते हैं मैग्नेटिक, ठीक है, मैग्नेटिक फ्लक्स। क्या बोलते हैं? मैग्नेटिक। मैग्नेटिक फ्लक्स, ओके माय डियर। सबसे पहले इसकी परिभाषा देखिए क्या होगी वो हम आपको देखिए ट्रिक के माध्यम से बता देते हैं। ठीक, देखिए परिभाषा, चुंबकीय फ्लक्स जो है ये ट्रिक के माध्यम से, ये कौन सी राशि है, ठीक है, ये कौन सी राशि है, क्या मात्रक है, सब चीजें आपको एक-एक पॉइंट करके हम आपको बता रहे हैं। देखिए जो इसकी डेफिनेशन है आप लोग को लेके बोल भी देते हैं, आपको लिखवा भी देते हैं, दोनों तरह से आपको हम ऐसे बताते हुए चल रहे हैं। कह रहा है कि एक समान चुंबकीय क्षेत्र में जैसे कोई चीज है, मान लीजिए एक समान चुंबक, पहले आप परिभाषा लिख लीजिए तब उसके बाद समझाएं तब ज्यादा समझ में आपको आएगा। देखिए चुंबकीय फ्लक्स की जो डिफिनेशन है, एक समान चुंबकीय क्षेत्र में स्थित किसी पृष्ठ के लंबवत गुजरने वाली, ठीक है, देखिए गुजरने वाली चुंबकीय क्षेत्र की कुल संख्या उस पृष्ठ से बद्ध चुंबकीय फ्लक्स कहते हैं। क्या कहते हैं? चुंबकीय फ्लक्स कहते हैं। इसे फाई से प्रदर्शित करते हैं। किसे प्रदर्शित करते हैं? देखिए फाई से प्रदर्शित करते हैं। ओके माय डियर, देखिए इतना आपको लिखा, चुंबकीय फ्लक्स को फाई से प्रदर्शित करते हैं। एक समान स्थित क्षेत्र में किसी पृष्ठ से लंबवत गुजरने वाले चुंबकीय जो जो क्षेत्र की रेखाएं होती कुल संख्या को उस पृष्ठ की क्या कहते हैं? पृष्ठ से बद्ध चुंबकीय फ्लक्स कहते हैं। देखिए आप लोग प्लीज इसको राइट कर लीजिए, उसके बाद हम आगे बढ़ रहे हैं, ठीक है। देखिए आपको यहां से लेके फाई से प्रदर्शित करते यहां तक आपको लिखना है। देखिए आप इतना लिखेंगे तभी आपको समझ में आएगा। अब तब हम आपको इसका सूत्र और फॉर्मूला आपको बता रहे हैं। देखिए आपको हो गया हो तो हम आगे बढ़ते हैं। ठीक, आप लोग लिख लीजिए अच्छी तरह से परिभाषा। देखिए नोट बना रहे हैं तो अच्छी चीजें हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए दोस्तों आगे बढ़िए, चुंबकीय फ्लक्स की परिभाषा के बाद देखिए ये जो राशि है ये अदिश राशि। कैसी राशि? देखिए ध्यान दीजिएगा, ये एक अदिश राशि है, ठीक है। दूसरी चीज बीमा, देखिए इसकी बीमा है यम एल टू टी पावर माइनस टू ए पावर माइनस वन है, इसकी बीमा है। संकेत इसकी देखिए फाइव, फाइव को देखिए इस तरह करके इस तरह देखिए आप प्रदर्शित करते हैं। देखिए इसके मात्रक देखिए तीन है, एक और भी है चार है, लेकिन इसको तीन है आपको हम बता रहे हैं, ठीक है। लेकिन चौथा आपको याद नहीं आ रहा है, लेकिन चार देखिए तीन तीन आपको बता रहे हैं। एक बेबर है, बेबर को देखिए आप लोग जो है किस कैसे इसको संकेत क्या है वो हम आपको बता देते हैं। संकेत इसका इसको डब्ल्यू पी से प्रदर्शित करते हैं। देखिए पहला जो मात्रा का बेबर है, बेबर को देखिए डब्ल्यू इस तरह बी से प्रदर्शित करता रहेगा, ठीक है, डब्ल्यू बी से। ओके, देखिए टेस्ला को देखिए इसका कैपिटल टी से होता है, और न्यूटन को यन, देखिए न्यूटन प्रति एम्पियर मीटर तीसरा मात्रक है। अगर कोई भी देखिए चौथा में याद आ गया, चौथा जो इसका है देखिए गॉस है। देखिए भाई हमको याद आ गया चौथा, देखिए गॉस है, याद हमको नहीं था लेकिन अभी देखिए याद आ गया चौथा, देखिए गॉस है। चौथा क्या है? गॉस है। ध्यान दीजिएगा कि इसके चार मात्रक हैं, चुंबकीय फ्लक्स के चार मात्रक हैं। ध्यान दीजिएगा कितने मात्रक है? फोर, ठीक है, फोर मात्रक। पहला वेबर है, दूसरा तेसरा, तीसरा न्यूटन एम्पियर प्रति मीटर, चौथा गॉस है। देखिए सीजीएस में, सीजीएस में जो है इसका है मैक्सवेल होता है। सीजीएस में क्या होता है? मैक्सवेल, एम ए एक्स डब्ल्यू ई डब्ल्यू एल, देखिए मैक्सवेल होता है।
एक चीज ध्यान दीजिएगा, सवाल जब आप लगाएंगे, अगर सवाल में ये गॉस दिया है, जैसे तीन गॉस दिया, चार गॉस दिया है, तो आप इसको टेस्ला बदल दीजिएगा, टेस्ला में वेबर में किसी बदलेगा, जब भी बदलेंगे तो एक गॉस बराबर, ध्यान दीजिएगा, एक गॉस बराबर 10^-4 टेस्ला, तभी आप सवाल लगाएगा, अदरवाइज नहीं सवाल आपका गलत हो जाएगा। ओके माय डियर, देखिए ये जो पॉइंट है, देखिए ये क्लिप कर रहे थे, ये जो टिक है, इसीलिए हम आपको देखिए कुछ चीजें हम आपको ब्लैक बोर्ड से लिख के बताते हैं, थोड़ा टाइम की सेविंग हो जाए, बचत हो जाए, इसलिए हम देखिए आपको बताते हैं, मैं सोचेगा कि हम लिख के पूरा करते हैं, जैसे जो आपके मन में है, हमारा काम आपको बेहतर बताना है। चलिए देखिए, बेहतर से बेहतर अगर आपको आ गया तो आगे बढ़ना, चलिए आगे बढ़े। अब इसको देखिए, ये जो चुंबकीय फ्लक्स है, ये देखिए दो तरह की है, एक धनात्मक एक ऋणात्मक है, कैसे है देखिए, दो तरह की है, देखिए चुंबकीय फ्लक्स, देयर आर टू टाइप्स, देखिए ध्यान दीजिए, शॉर्टकट पे चलते हैं, टू टाइप्स में देखिए, अगर आपका देखिए इस तरह बनना है, देखिए कोई भी अगर इस तरह का आपको बना रहा है, ठीक है, देखिए मान लीजिए इस तरह जहां ये है, इस पे से बनेगा आपका, ठीक है, देखिए थोड़ा गलत बना दिया, नीचे ये बाहर निकला रहेगा इस तरह, इसको भी देखिए बाहर निकालिए, ठीक है, देखिए स्पेस पे एम लगा दीजिएगा, तो ये जो चीजें आपकी बन रही चुंबकीय, देखिए ये बन रहे हैं, ये धनात्मक चुंबकीय फ्लक्स है, कैसा है देखिए, धनात्मक चुंबकीय फ्लक्स है, कैसा है, धनात्मक है, ठीक। और ऋणात्मक में देखिए क्या होता है, ऋणात्मक जो रहती है, धनात्मक में देखिए कोई भी धारा जो रहती है वो सीधी नहीं जाती है, देखिए जो ऋणात्मक बनता है एकदम सीधी गोल सी रहेगी, देखिए सीधा ये गोल सा रहेगा, और उसके बाद इसमें देखिए एक धारा बहेगी, जैसे ऐसे ऐसे देखिए धारा, देखिए इस तरह ऐसा बहेगी, किस तरह बहेगी, देखिए आपको समझ में आ रहा है, देखिए धारा जो इसमें रहेगी इसी में आएगी, देखिए इस तरह, ओके माय डियर, देखिए ये ऋणात्मक है, ये क्या है ध्यान दीजिएगा, ये ऋणात्मक है, कभी कभी देखिए नंबर मार दिए, ऋणात्मक है, और जो एक्शन जो इस तरह का बना रहता है, जो फिंगर टाइप का बना रहता है, इस तरह देखिए, इस तरह जो बना रहता है, देखिए इस तरह जो बना रहता है, ये धनात्मक है, ठीक, ये माइनस ये प्लस, देखिए दो तरह के चुंबकीय फ्लक्स हो गए। अब हम आपको बताते हैं इसका सूत्र बताते हैं, देखिए चुंबकीय फ्लक्स का सूत्र बताते हैं, देखिए चुंबकीय फ्लक्स का जो सूत्र है, फार्मूला है, वो किस तरह का फार्मूला है वो हम आपको देखिए बता रहे हैं। देखिए चुंबकीय फ्लक्स के देखिए दो तरह के सूत्र आते हैं, एक कोर में बनता है, एक बिना कोर बनता, मान लीजिए सीधी तराजी से ऐसे चिराग पर रहे, ओके, देखिए सीधा सीधा माप का पर रहे, तो मान लीजिए जिस जैसे कोई भी चीज इस तरह अगर एरो निकल ली, इस तरह सीधा सीधा बनता है, सीधा सीधा, ओके माय डियर, जैसे सीधा सीधा बनना है, नहीं सही बनना, फिर बना के दिखाते हैं, थोड़ा सा टीढ़ा कह दें तो सही रहेगा, देखिए टीढ़ा करेंगे तो आप कैसे हो जाएगा, चलिए देखिए ठीक है, फिर भी ठीक, देखिए इस तरह के, देखिए इस तरह के अगर बनते हैं आपके, तो इस तरह के जब आपका चुंबकीय फ्लक्स बनेगा, तो इसकी जो सूत्र बनेगा वो क्या बनेगा, फाई बराबर बी ए, क्या बनेगा, फाई बराबर बी, बी क्या है, चुंबकीय क्षेत्र है, और ए क्या है आपका, क्षेत्रफल है, क्या है, एरिया, ठीक है नहीं। चलिए देखिए दूसरा तरह, मान लीजिए ये देखिए आपका मन सही नहीं लग रहा, देखिए सीधा लंबवत होना चाहिए एकदम सीधा, जो आप पहले बनाए थे देखिए सही था, आप लोग गलत करवा नहीं पा, ये देखिए लंबवत है एकदम सीधा सीधा बनेगा, तो इस तरह रहेगा, देखिए इस तरह जैसे जो भी रहे इस तरह बनेगा, तब ये अब इसी तरह झुका देंगे आपको, जैसे मान लीजिए इसको, चलिए मान लीजिए इस तरह आपको इस तरह कर देते हैं, कोई कोण में बनाए, कोई एंगल में बनाए, जैसे कोई एंगल में बना रहा है, एंगल में देखिए जैसे मान लीजिए 90° में तो ऐसे बनेगा सीधा सीधा, लेकिन जैसे यही चीज को जब हम झुका देते हैं, देखिए इस तरह झुका देते हैं, तो जाहिर सी बात 30, 45 किसी भी तो एंगल में बनना है कि नहीं बनना है, तो देखिए जब झुक जाएगा,
देखिए जब ये झुक गया आपका कोई भी चीज, तो भाई जाहिर सी बात है अगर आपका देखिए वही चीज सब रहेगा, लेकिन तेज एकदम आपका देखिए इस तरह हो गया। देखिए ये हो गया, तो झुक गया ना, देखिए हो गया पूरा, देखिए इससे बनना है। तो ये यही जब कोई कोण थीटा से बनाएगी तो फाई बराबर बी ए कॉस थीटा हो जाएगी। देखिए ये सूत्र ध्यान दीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट सूत्र है, सवाल आपको लगाना है। ओके माय डियर, क्या हो जाएगा फाई बराबर बी ए कॉस थीटा। देखिए दो तरह के सूत्र इसके हमने आपको बता दिए। अब देखिए जो ये कोण थीटा बनाती है या तो समांतर से बनाएगी या तो लंबवत से बनाएगी। देखिए दो तरह से बनाएगी थीटा में, देखिए एक तो समांतर से बनाएगी, ओके माय डियर, दूसरा क्या बनाएगी लंबवत बनाएगी। देखिए दो तरह बनेगा, या तो लंबवत या तो देखिए या तो समांतर या तो लंबवत। अब आपको ध्यान देना है कि समांतर में कितने अंश का बनेगा, लंबवत में कितने अंश का बनेगा। देखिए जब तल छेद के समांतर में बनाएगा तो थीटा बराबर आपका 90 अंश होगा। ये देखिए सवाल लगाते समय बहुत विशेष ध्यान देना पड़ेगा, अगर लंबवत में तो थीटा बराबर 0 अंश बनाना पड़ेगा। एक और हम आपको ट्रिक बता देते हैं कि ताकि आपका सवाल गलत, अगर कहीं पर वो 30 अंश देता है, मान लीजिए 30 अंश 45 अंश देता है, तो 90 उसमें से लेस कर दीजिएगा, जितना भी देगा यहाँ लेस करके तब सवाल लगाएगा, अदरवाइज आपका आंसर गलत है। देखिए ट्रिक है, इसीलिए एग्जाम में देखिए ये ज्यादा देता है, ये वाला कि इसमें लड़के फंस जाते हैं। जैसे क्या दे दिया कि चुंबकीय फलक 30 अंश के 30 अंश के क्या 30 अंश के तल पर बना रहा, तो लोग क्या करते हैं थीटा का मान 30 रख देते हैं और उनका आंसर क्या हो जाता है, गलत आता है। लेकिन उसको क्या करना, 90 से लेस करिए, 90 माइनस 30 बराबर 60 अंश लिख चलिए थीटा का मान, तभी आपका आगे। सभी लोग ध्यान दीजिए, सभी लोग विशेष विशेष तरह से ध्यान दीजिए। देखिए जो बातें बता रहे आप इसको माइंड में क्या करें, गॉड बना लें। अब आपकी भाई मर्जी, अगर आपको ठीक है चलिए। देखिए आगे आप न्यूमेरिकल लगवा के चेक करते हैं कि नहीं। देखिए एक बार फिर बता देते हैं, सवाल लगाने के जो ट्रिक है वो हम आपको फिर बता देते हैं। देखिए इतनी चीजें बताने के बावजूद फिर हम आपको बता देते हैं, दोहरा देते हैं, ताकि आपको सवाल लगाते समय किसी तरह की प्रॉब्लम ना आए। ठीक है, देखिए सबसे पहले इसकी चार मात्रक जो आपको हमने बताया है, देखिए नंबर एक पर गॉस बताया है, दो टेस्ला है, वेबर प्रति मीटर स्क्वायर है, न्यूटन मीटर प्रति एम्पियर है, ध्यान है कि नहीं। देखिए फिर बताते हैं, गॉस नंबर एक याद कर लीजिए, गॉस नंबर दो टेस्ला, नंबर तीन वेबर प्रति मीटर स्क्वायर, नंबर चार न्यूटन मीटर प्रति एम्पियर। ठीक है, देखिए अब अगर आपका सवाल गॉस में आता है, हमने आपको बताया है गॉस में आता है, इसको ट्रांसफर करिएगा 10^-4 में। एक भी सवाल अगर फंस जाएगा तो कमेंट बॉक्स में जरूर हमको बताएगा कि आपका सर आपका पढ़ाया हुआ ठीक सही नहीं था। देखिए जो भी बातें बताते हैं 100% सत्य है, हम इस देखिए जितनी नॉलेज उतना हम बता रहे हैं, अब आपकी मर्जी। देखिए ये चीजें हो गई, दूसरी चीजें देखिए इसको आप बदल लगाएंगे। दूसरी चीजें देखिए ध्यान दीजिए, अगर सवाल लगाने समय एग्जाम में जब भी देगा वो पूछेगा समांतर में, तीन पॉइंट जरूर देता है, समांतर लंबवत थीटा से 30 अंश के तल पर, इस तरह पूछेगा। अगर समांतर कहता है थीटा पर 90 रख दीजिएगा, अगर आपको क्या कहता है लंबवत कहता है तो थीटा पर 0 रखिए, क्योंकि थीटा पर 0 क्यों होता है वो देखिए हम आपको सिद्ध भी करके दिखा सकते हैं, ऐसी बात नहीं सिद्ध नहीं करते। देखिए जो अगर हम फाई बराबर बी ए कॉस थीटा रखते हैं, ठीक है, देखिए अब यहां पर थीटा का मान अगर आप क्या रख रहे हैं, देखिए कॉस 90 रख रहे हैं, कॉस 90 रख रहे हैं ना लंबवत, मान लीजिए कोई भी चीज है इस तरह से वो आपको बना रही है, इस तरह आपको बना रही है, जैसे मतलब कोई तल में है इस तरह वो बना रहे cos 90, तो cos 90 का मान कितना हो गया, 0 हो गया भाई। देखिए तो थीटा बराबर 0 नहीं होगा, cos 90 का मान कितना हो रहा है, 0 ना, sin 90 का मान कितना होता है, 1 होता है, ठीक है कि नहीं। तो यही बात हम बताने का प्रयास कर रहे हैं कि देखिए कि इस तरह देखिए होता है। अब आपको सवाल लगाते हैं, सवाल लगाकर चेक करते हैं, देखिए सवाल आपको आ रहा है कि नहीं आ रहा है।
कि नहीं? चलिए पहला सवाल आप लोग देखिए, स्क्रीन देखिए, स्क्रीन तो मेरे नहीं है भाई, बुक्स में आपको हम दिखा रहे हैं। देखिए सवाल से पहले कुछ चीजें आप और देख लीजिए, जैसे देखिए हम आपको ये दिखाना चाहते हैं कि एग्जाम में देखिए इस तरह आता, चुंबकीय फ्लक्स का मात्रक है, चुंबकीय फ्लक्स का देखिए मात्रक है, अब कौन सा मात्रक इसमें, देखिए चुंबकीय फ्लक्स का मात्रक इन चारों ऑप्शन में देखिए कौन बताया गया कि चुंबकीय फ्लक्स का कौन मात्रक है, देखिए बहुत सूक्ष्म तरीके से देखिए देता है। इसी तरह आप लोग देखिए, हमने ब्लैक बोर्ड बताया था, आप लोग करिए थोड़ा सा, तभी सवाल देखिए लगवा रहे हैं, देख रहे हैं मैं डियर। देखिए दूसरा क्वेश्चन भी देख ले, चुंबकीय फ्लक्स के मात्रक के वेबर को लिखा जाता है, देखिए वेबर को क्या लिखा जाता है, और चुंबकीय फ्लक्स की देखिए बीमा, देखिए तीनों क्वेश्चन आप लोग करके कमेंट बॉक्स में हमको आंसर बताइए, देखिए कौन सा आंसर है कौन सा आंसर नहीं है, देखिए तभी आपको मजा आएगा, नहीं अगर मजा नहीं आएगा। देखिए इस तरह के भी क्वेश्चन एग्जाम में देखिए एक नंबर कैसे आएगा, नहीं तो अदरवाइज आपको छूट जाएगा। चलिए देख लीजिए, ठीक अभी सवाल सब लगवाते हैं, डोंट वरी, घबराए मत, पहले आप लोग इसको देखते चलिए। चलिए आप लोग कहोगे देखिए इस तरह भी क्वेश्चन आते हैं, बेबर किस राष्ट्र का मात्रक है, बेबर देखिए क्वेश्चन देखिए भी आप लोग कह लीजिए, बेबर किस राष्ट्र का मात्रक है, ठीक ठीक है दीदी, देखिए सभी लोग आप लोग करते हुए निकलिए। ओके माय डियर, चलिए अब सवाल देखिए, अब हम आपको सवाल दिखाते हैं, देखिए देखिए सवाल एक एग्जांपल है, ये देखिए इसी सवाल को देखिए, 0.2 वेबर प्रति मीटर स्क्वायर तीव्रता के एक समान चुंबकीय क्षेत्र में एक वृत्ताकार देखिए लूप रखा है, जिसके तल का क्षेत्रफल 20 × 30 सेमी है, लूप के संबद्ध चुंबकीय क्षेत्र फ्लक्स ज्ञात कीजिए, जबकि लूप का तल देखिए क्षेत्र के समान, देखिए इसी तरह क्वेश्चन आते हैं, देखिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तभी आपको लगवा रहे हैं देखिए एग्जाम्पल में, देखिए ओके देखिए पहला कह दिया लूप के तल के क्षेत्र समांतर है, पहले इतना क्वेश्चन लिखिए, तो दूसरा क्वेश्चन आपको भी दिखाते हैं। ओके डियर देखिए लिखिए फटाफट, चलिए अब लोगों को हो जाए आगे, देखिए देखिए इसमें देखिए क्वेश्चन नंबर एक कहा लूप के तल के समांतर है, दूसरा कह रहा है देखिए दूसरा क्या कह रहा है वो भी देख लीजिए, देखिए दूसरा कह रहा है लूप के तल के छत अब लंबवत है, देखिए तीसरा का क्या कह रहा है लूप का तल छेद से 30 अंश के कोण पर झुका है, देखिए यही बात हम आपको बता रहे थे कि देखिए पहला समांतर बोला, दूसरा तल के छत से अब लंबवत है, तीसरा बोल रहा है लूप के तल का 30 अंश के कोण पर झुका है, तो इस तरह क्वेश्चन आप नोट करिए, फिर उसके बाद देखिए सोल्यूशन आपको समझा कर बता रहे हैं। चलिए देखिए हो जाए आपका, देखिए आपको समझ में आ रहा है नहीं रहा जब कमेंट बॉक्स में हम बताएंगे, तभी देखिए मेरा हौसला बढ़ेगा, तभी आप लोग देखिए लगा लेते हैं, बताते नहीं हैं एकदम। चलिए आगे बढ़े, चलिए आगे बढ़ते हैं, चलिए देखिए आगे, देखिए क्वेश्चन जो था आप लोग फिर मिला लीजिए कि 0.3 वेबर प्रति मीटर स्क्वायर, ठीक है 0.3 क्या है वेबर प्रति मीटर स्क्वायर, तीव्रता के एक समान चुंबकीय क्षेत्र के एक वृत्ताकार लूप रखा हुआ है, जबकि तल के क्षेत्रफल 20 × 30 सेमी का है, तल का क्षेत्रफल क्या है 20 × 30 सेमी है, और क्या है देखिए 20 × 30 है ना, तो पहले आपको देखिए क्या क्या दिया है, देखिए क्वेश्चन नंबर एक हल लिखिए, हल के बाद देखिए गिवन हियर, गिवन मतलब दिया है, गिवन हियर, अब गिवन हियर में देखिए जो ए की वैल्यू है वो क्या दिया 20 × 30 सेमी में दिया है, देखिए 20 × 30 सेमी, तो ए बराबर इसको मीटर में बदलिए, देखिए जब भी सवाल आप लगाएंगे
ये चीज ध्यान दीजिएगा, वो हमेशा सेमी में नहीं लगता है। किसमें सवाल लगता है? मीटर में लगता है माय डियर, ध्यान दीजिएगा, अदरवाइज सवाल आपका गलत हो जाएगा। तो देखिए क्या हो जाएगा, 2 × 3 = 600 हो गया, तो 600 × 10⁻⁴। देखिए 4 कैसे हुआ, देखिए 10⁻² इसका, 10⁻² इसका, तो 10⁻⁴। तो a बराबर आपका हो जाएगा 6 × 10⁻², देखिए 2 इसका, ये देखिए -4 + 2 हो जाएगा। तो a बराबर 6 × 10⁻ क्या हो गया, देखिए 10⁻²⁰ मीटर हो गया। एक पॉइंट हो गया। देखिए फिर उसके बाद देखिए आपको क्या दिया है, बताइए b की वैल्यू दी है, b देखिए b चुंबकीय क्षेत्र आपका 0.3 क्या दिया है, वेबर प्रति मीटर स्क्वायर, वेबर प्रति मीटर स्क्वायर क्या दिया है, 0.3 वेबर प्रति मीटर स्क्वायर, ये आपका हो गया कि नहीं आ गया? चलिए ठीक है, अब वेबर प्रति मीटर स्क्वायर दिया है। अब देखिए क्या पूछ रहा है लूप, पहले पॉइंट नंबर एक पूछ रहा है कि लूप के तल के क्षेत्र समांतर है, यानी लूप का तल कहता है समांतर है। देखिए हमने आपको बताया था जब समांतर रहेगा तो थीटा बराबर 90 हो जाएगा, सूत्र आपका बन जाएगा फाई बराबर बी ए कॉस थीटा, बी का मान है 0.3 गुणे ए का मान है 6 × 10⁻² गुणे थीटा का मान है कॉस 90। ओके माय डियर कि नहीं, देखिए ध्यान दीजिएगा। अब देखिए 6 × 3 = 18 1.8 गुणे 10⁻² गुणे 0 अंश, देखिए बराबर 0 यानी शून्य हो गया आपका। देखिए फर्स्ट से आपको किसी के 0 में गुणा करते हैं तो शून्य हो जाता है। देखिए पॉइंट नंबर एक आपका हल हो गया। ओके माय डियर कि नहीं, देखिए अब यही एज दूसरे पॉइंट को बता रहा है, लूप के तल का क्षेत्र अभिलंबवत है। अब इसको देखिए अभिलंबवत में करिए, देखिए पॉइंट नंबर दो में आ रहे हैं, देखिए पॉइंट नंबर दो कर रहे हैं, बस खाली दो चीज बदल जाएगा। देखिए अभी अभी देखिए आपका बदल जाएगा, बस कुछ करना नहीं है आपको है। देखिए जब अभिलंबवत दिया, पॉइंट नंबर दो लगा रहे, देखिए अभिलंबवत, अभिलंबवत ठीक है, अभिलंबवत में थीटा बराबर 0 अंश सब कुछ वही रहेगा, लेकिन यहाँ के देखिए थीटा बराबर 0 अंश हो जाएगा, इसमें जो 0 अंश का मान 1 होता है, देखिए इसका मान देखिए 1 होता है, तो गुणा करेंगे देखिए 1.8 गुणे 10⁻²। देखिए आगे एकदम सीधा सीधा हमने आपको कहा ना कि ज्यादा हमको कुछ करना नहीं है, देखिए ऐसे करेंगे आंसर आपका देखिए इस तरह आ। अब देखिए 1.8 है, देखिए देखिए आप लोग दिखाई दे रहा कि नहीं एकदम, चलिए ठीक है, देखिए 1.8 है तो 1.8 के नीचे देखिए 100 से भाग दे दीजिए, क्योंकि आंसर इतना नहीं आ रहा, 0.0018 आ रहा, देखिए इतना आंसर आ रहा, 0. कितना 0, 1 0 आ रहा, 2 0 नहीं, देखिए इसका देखिए भाग कर चेक कर लीजिएगा 0.01 वेबर, देखिए इस तरह आ गया वेबर, ये देखिए पॉइंट नंबर दो का आंसर हो गया। ओके माय डियर अब आते हैं हम तीसरे टाइप के जो क्वेश्चन है वो बता दें। देखिए कह रहा है कि लूप का तल क्षेत्र से 30 अंक का कोण बनाता है। अब देखिए ये अंबर मीटर गया, देखिए पॉइंट नंबर तीन पर आते हैं, देखिए कुछ नहीं करना, बस एक चीज करना है, यह लूप के तल से देखिए 30 अंक का कोण बना रहा है, जब 30 अंक का कोण बनाएगा देखिए एक का चीज हटेगा खाली, बस यहाँ देखिए जो थीटा का मान यहाँ देखिए 30 अंक रख दीजिए, देखिए सब हट जाएगा पूरा काम खत्म। जब 30 अंक का देखिए थीटा वाला हमने आपको बताया था, तो थीटा का मान देखिए 30 ना रख के आप लोग क्या कर लें, थीटा बराबर 90 माइनस देखिए 30 करिए बराबर 60 अंश, यानी कितना अंश ले चलेंगे। देखिए यही बात हम आपको बता रहे थे कि 30 अंश के बजाय आपको कितना अंश ले चलना पड़ेगा, 60 अंश। अब 60 अंश का मान रखेंगे 1/2 हो जाएगा, 2 से काट देंगे 2 9 18.9 हो गया,
कितना हो गया, देखिए 0.9 हो गया, 9 गुणे 10 पावर माइनस 2। ओके माय डियर, अब इसको देखिए हल करेंगे तो 9 गुणे ये देखिए 10 पावर एक ही हटेगा किस में बढ़ेगा तो 10 पावर माइनस 3 हो जाएगा। देखिए ये 5 बराबर हो गया, इतना बेबर देख रहे हैं, इतना बेबर एकदम पूरा। देखिए ये अंतर हो गया आपका, देखिए आपको दिखाई दे रहा है नहीं दे रहा है, एकदम सही। देखिए ये एग्जाम में आपका 4 नंबर इस तरह का आपका आएगा, इसी तरह खाली वो पॉइंट आपका बदला रहेगा। आप लोग पहले राइट करिए फिर चलिए आगे। फिर दूसरा क्वेश्चन आपको हम बता रहे हैं कितना, देखिए कितने लोग लगा लेते हैं बताएं, देखें चलिए हो गया, आगे बढ़ते हैं। देखिए अगर आप लोगों को आ गया है एक सवाल, अगर आपको बढ़िया से समझ में आ गया हो, इसी तरह के आपको 3-4 क्वेश्चन देते हैं, आप लोग लगा कर बताइए, देखते हैं कितने लोग को आता है, कितने लोग हम सफल हैं क्या। देखिए सक्सेसफुल यू सक्सेसफुल, आप सफल तो हम सफल, आप पास तो हम पास, आप फेल तो हम फेल। देखिए ये मतलब जब तक अगर आप इस आपको ये चीज नहीं देते तब उसी तरह एकदम सेम क्वेश्चन 20-30 से खाली अंक बदला रहेगा, आपको यही करना बस, ये सब कुछ करते हुए निकल जाना है। देखिए थीटा का मान जैसे वैल्यू दिया है आप वैसे रखिए। देखिए क्वेश्चन आपको दे रहे हैं, सर क्वेश्चन लगाएंगे तो आपको आएगा नहीं, लेकिन देखते हैं देखिए कितने लोगों को आ रहा है कितने लोगों को। देखिए क्वेश्चन हमारा क्या है, दो गॉस की चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता वाले चुंबकीय क्षेत्र में, देखिए ध्यान से क्वेश्चन, दो गॉस की चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता वाले चुंबकीय क्षेत्र में 10 गुणे 20 मैंने आपको बताया था कि ये क्षेत्रफल ए का मान देखिए इतना दिया है, दो गॉस दिया है, दो गॉस आपका कितना मात्रक, देखिए बी का मान है चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक है, चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक देखिए 4 बताए थे, चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक देखिए 2 गॉस है, गॉस को किसमें बदलेंगे देखिए टेस्ला में बदलिएगा तभी सवाल लगेगा। देखिए बार बार हम आपको कह रहे हैं क्षेत्रफल के एक आयताकार लूप में रखा गया, यदि लूप का तल देखिए 60 अंश है, हमने आपको बताया था लूप के तल का क्षेत्रफल जब भी 60 अंश, देखिए तल में दिया 90 अंश इसको घटाइए, अगर समांतर और लंबवत रहेगा मत घटाइएगा, अगर तल में दिया है तो हमेशा 90 से घटाइए, 90 से इसको घटाएंगे तो देखिए आपको कितना होगा 90-60 बराबर 30 अंश हो जाएगा आपका। ओके डियर देखिए ध्यान से खुद देखिए 30 अंश हो जाएगा, तो क्या बोलते 60th पर झुका हो तो लूप के संबद्ध, देखिए लूप के संबद्ध है तो चुंबकीय फ्लक्स का मान ज्ञात कीजिए। देखिए सूत्र वही है आपको सब कुछ लिख चलना, देखिए मैं हमने आपको बताया था, देखिए इस सवाल बहुत इंपॉर्टेंट, देखिए इतना आया है इसका आंसर देख लीजिए 2√3 × 10⁶ बीबर आएगा। अब देखते हैं कितने बहादुर जो लोग हैं देखिए लगा सकते हैं कि नहीं लगा सकते, देखिए 2021 में आया है, अगर आप लोग नहीं लगा सकते तो मतलब हमारा पढ़ाना व्यर्थ हो गया आपका। ठीक डियर आप लोग अच्छे स्टूडेंट नहीं है, एकदम पक्का हम बता दे रहे हैं कि आपके अंदर कोई क्वालिटी नहीं है। ठीक देखिए थोड़ा बड़ा कर देते हैं, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन में 2 में आते हैं, क्वेश्चन में 2 भी देखिए इसी तरह, देखिए क्वेश्चन पहले उतारिए अब बोलेंगे नहीं थक गए। देखिए यदि तल का देखिए क्षैतिज है, लूप का तल देखिए ऊर्ध्वाधर है, तो क्षैतिज में कितना लेंगे ऊर्ध्वाधर में कितना लेंगे, समझ रहे हैं, क्षैतिज ऊर्ध्वाधर, ऊर्ध्वाधर में समझते हैं अभिलंब होते 90 अंश, ठीक है इन्हें समझ में है। देखिए यहां पर ऊर्ध्वाधर में 90 अंश लिख चलिए, क्षैतिज में 0 अंश लिख चलिए। ओके डियर देखिए ध्यान से फिर बात सुनिए, देखिए ये ए की वैल्यू हो गई, ये बी की वैल्यू हो गई, लूप के तल का क्षैतिज है तो थीटा पर 90 रखिए, लूप का तल देखिए ऊर्ध्वाधर है तो 90 अंश रखिए। देखिए इतना बताने पर अगर आपको नहीं आ रहा है कलेजा निकाल के तो समझ लीजिए यू आर नॉट गुड स्टूडेंट, आप 90% के लायक नहीं है, 40-50% के लायक हैं। देखिए ठीक है कि नहीं, अब सवाल रख के लगा कर कमेंट, देखिए फिर भी नहीं अगर आपका आंसर अगर आ रहा है देखिए आंसर नीचे है तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। चाहे दूसरा क्वेश्चन देखिए, देखिए उसी तरह देखिए सब क्वेश्चन देखिए इसी तरह, इसी तरह देखिए ये भी क्वेश्चन है,
आप लोग देखिए ए के वैल्यू, अब नहीं ये नहीं बताएंगे, आप लोग अपना करिए। देखिए देखिए सब कुछ, देखिए संबद्ध चुंबकीय फलक क्या, लूप का तल, देखिए क्षेत्र के अब लंबवत, क्षेत्र 30 अंश का क्षेत्र के समांतर। देखिए उन्होंने कहा ना कि एक एक क्वेश्चन आपको लगाकर उसी तरह के क्वेश्चन आपको ड्राइव कर रहे हैं। अगर आपको आ रहा, देखिए 3 क्वेश्चन हम आपको दे रहे हैं, 3 क्वेश्चन के बावजूद अगर आपको नहीं आ रहा है तो भाई इसमें आपको प्रॉब्लम ही प्रॉब्लम है, तब समझ लीजिए आपका माइंड काम नहीं कर रहा है। ओके, देखिए 4th क्वेश्चन अलग है तो 4th क्वेश्चन को अलग तरीके से बताया जाएगा। ठीक, आप लोग देख लीजिए, देख के ये बताइए मेरा वीडियो कैसा लगा, जरूर हमको लाइक सब्सक्राइब कमेंट बताइएगा, जरूर से जरूर बताइएगा। देखिए फिर बता देते हैं, क्षैतिज अगर है तो समझ, क्षैतिज का दूसरा नाम समांतर है, क्षैतिज तो थीटा बराबर 90 रख लीजिए, ऊर्ध्वाधर है तो थीटा बराबर 0 कितना रखेंगे बताइए, बोलिए भाई क्षैतिज में कितना रखेंगे, कोई बताए हमको, क्षैतिज 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 में देखिए थीटा बराबर 0 अंश रखिए, ध्यान सुनिए ध्यान से, इसीलिए हम आपको कह रहे हैं बार बार, आप कंफ्यूज मत, थीटा बराबर 0 अंश रखिए क्षैतिज में, क्षैतिज ठीक, क्षैतिज किसको कहते हैं, अब लंबवत को देखिए, उसके बाद आप अगर ऊर्ध्वाधर है तो थीटा बराबर आप किसको रखिए 90 अंश रखिए, थीटा बराबर 90, आप कान खोल के सुन लिए ना। चलिए आगे बढ़ते हैं, बस आपको मेरा वीडियो कैसा लगा जो लाइक से कमेंट हमको बताइए, फट से बताए बताइए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अब आपको फेरों की संख्या बताते हैं। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा जरूर मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब कर दीजिएगा, थैंक फॉर वॉचिंग माई दिस वीडियो। अगर आपको आपको अच्छा ना लगा तो भी हमको बताइएगा, सवाल अगर आपके हल नहीं होते हैं तो भी हमको बता दीजिएगा, तो हम हल करके आपको भेज देंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, हैव ए नाइस डे।